हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 83, जो कक्षा 6 से 8वीं के सभी बच्चों को करनी है 9 अक्टूबर 2020 के लिए। बेटा, सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी ज़रूर लिखेंगे। आपको ये लिखना याद रखना है हमेशा, और मैं डेली आपको हर वर्कशीट में स्टार्टिंग में एक बार रिमाइंड ज़रूर कराती हूँ बेटा, इसीलिए कि लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बिल्डिंग देख के आपको क्या याद आया, किस चीज़ की याद आई बेटा? बिल्कुल सही, ये देखकर हमें अपने स्कूल की याद आ गई। ये है हमारा विद्यालय। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न भी यही पूछा गया है आपसे, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोच कर लिखिए। तो यह चित्र हमें हमारे विद्यालय की याद दिलाता है। देखिए कैसे इसमें ये प्लेग्राउंड, ये देखिए, ये हमारा शायद जो हमारी प्रार्थना सभा है उसका होगा और ये हमारा स्टेज बना हुआ है। इस तरह से ही है ना आपके स्कूल में भी कॉरिडोर्स और बिल्डिंग बड़ी सी। तो देखिए, उसके बाद है आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? सोच कर लिखिए। तो बेटा, आपको यहाँ पे विद्यालय की जो जगह, जिस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपका कंप्यूटर रूम, आपका म्यूज़िक रूम, या आपको खेल के मैदान में, साइंस रूम, आपका विज्ञान कक्ष जो है वहाँ पर, तो जिस बच्चे को जहाँ मज़ा आता है उसका कारण भी सोच कर लिखना है कि कहाँ पर आपको बहुत मज़ा आता है। अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे विद्यालय में, ये आपको सोच कर लिखना है। तो आपको पता है ना, हमें मास्क लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, अगर तबीयत ख़राब है तो हमें स्कूल में नहीं जाना है, और सबको समझाना है कि किस तरह से बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोने हैं। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करेंगे, हम कोरोना को हरा देंगे। अब देखिए, अपने मित्र से बातचीत करके आपको लिखना है कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आपके मित्र क्या सहयोग कर सकते हैं। तो बेटा, आप जब अपने मित्र से बात करेंगे तो आप यह आपको सजेस्ट करना है कि विद्यालय को साफ करने के लिए हम साफ भी रखेंगे, सुंदर भी रखेंगे, और कैसे सहयोग करेंगे अपने सफाई कर्मचारियों का उसे साफ और सुंदर बनाए रखने में। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ उत्तर इस तरह से आपके आइडिया के लिए लिख दिए हैं, ताकि आप उसको आगे अपने पसंद के अनुसार भी लिख सकें। आप देखिए, पहला जो है, यह चित्र मुझे विद्यालय की याद दिलाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे अगर विद्यालय का नाम देखें तो राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन दिल्ली। इस तरह से आपके जो जगह है, जहाँ पर आपका स्कूल है उस जगह पर, वो वहाँ पर, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, मुझे मेरे विद्यालय में खेल का मैदान और विज्ञान कक्ष बहुत पसंद है। तो मुझे तो क्या पसंद है, खेल का मैदान और विज्ञान कक्ष क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर बहुत हम सभी बच्चे एक साथ खेल कर मज़े करते हैं, और विज्ञान प्रयोगशालाओं में नए नए प्रयोग कर कर हम चीज़ों को करके देखते हैं। तो नई नई चीज़ों को देख करके देखते हैं, या फिर हम नए नए, आप लिख सकते हो कि नए नए प्रयोग करते हैं। आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कि हम वहाँ पर नए प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग कर के देखते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई और जगह पसंद है, आपको कंप्यूटर कक्ष पसंद है, आपको म्यूज़िक रूम पसंद है, तो आपको वो लिखना है। मैंने आपके आइडिया के लिए ये लिख दिया, बाकी आपको अपने आप ये सब चीज़ें सोच के लिखनी है, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, आपको जागरूक बनाने के लिए, कि हम आने वाले समय में जब हमारा स्कूल खुल जाएगा, हम सभी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं वापस अपने स्कूल जाने के लिए, वापस हर रोज़ उसी तरह से मिलने के लिए, अपने सारे कार्य करने के लिए, तो उन सभी कार्यों को फिर से वापस उसी रूप में पूरा करने के लिए हमें सबको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हम सबको जागरूक बनना है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और उसी के लिए ये वर्कशीट बेटा आपके लिए बनाई गई, ताकि आप सभी बच्चे उन चीज़ों को दोहरा सकें, वो चीज़ें आप याद रख सकें कि आपको किस तरह से अगर हम वापस स्कूल आएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें स्कूल
अटेंड करना है, किस तरह से हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रखना है, और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे बेटा। क्योंकि जो बाहर एक बार घर से निकलता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बाहर जाता है, तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि उसको ध्यान से बाहर जाना है, ध्यान से हर तरह से बचकर सभी बातों का, नियमों का ध्यान रखते हुए वापस घर आकर पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए उसे अपने सारे काम पूरे करने हैं, क्योंकि किसी के थ्रू, किसी के भी द्वारा संक्रमण घर में आ सकता है और हमें इस संक्रमण को फैलने से हर हाल में रोकना है। अब देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, अपने माँ अगर कुछ दिनों बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर आपको तो आजकल अगर आप फ़ोन भी करते हैं तो देखिए टेप में भी आवाज़ सुनाई देती है कि आप किन किन बातों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। तो अभी देखिए, विद्यालय खुलने पर मैंने कुछ बातें लिखी हैं, बाकी आपको सोच के लिखनी है। विद्यालय खुलने पर हम सभी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, रखने के साथ साथ बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का प्रयोग, बार बार हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि बेटा साफ़ सफाई है जो हमें हर रोग से बचा सकती है, किसी भी रोग से बचने के लिए हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बेटा, यही बातें ध्यान रखते हुए आपको ये अगला प्रश्न करना है, जो आपको अपने मित्र से खुद बात करनी है। इसलिए मैंने आपको चौथे प्रश्न के उत्तर के बारे में तो बता दिया, लेकिन पांचवें में भी वही बातें, अब आपने दोस्त से कैसे बात करोगे, क्या क्या बातें और भी आप इसमें अपने दोस्त को बताना चाहोगे, वो सब आपको सोच कर उसमें लिखना है। और इसमें प्रश्न क्या है, अपने मित्र से बातचीत करके, देखिए ये पांचवा प्रश्न क्या है, अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग करेंगे। तो आप सब बच्चे विद्यालय को सुंदर रखने में तो सबसे बड़ा योगदान यही देते हैं कि देखिए, हमें खुद ही सबसे पहले कोई भी कूड़ा इधर उधर नहीं डालना है, कुछ कोई कागज़ नहीं फाड़ना है, अगर हमारी पेंसिल के छिलके हैं तो उसे डस्टबिन में डालना है, कोई भी हमने चीज़ इस्तेमाल किया है या कुछ खाया है तो उसका जो कूड़ा है वो हमें हमेशा कूड़ेदान में डालना है, आसपास ना तो खुद ऐसे कुछ फैलाना है ना दूसरों को फैलाने देना है। फिर उसके साथ साथ आप सफाई कर्मियों का भी साथ में सहयोग करेंगे कि जो बेटा वो अपना काम कर रहे हैं वो सफाई कर देते हैं, लेकिन उसे बनाए रखना, स्वच्छता को बनाए रखना भी ज़रूरी है। और आप अभी जागरूकता फैलाने के लिए अभी कुछ ऐसे चार्ट्स या स्लोगन्स भी बना सकते हैं जो आप अपनी क्लास में, अपनी क्लास के बाहर कॉरिडोर्स में, स्कूल में लगाकर सबको जागरूक कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है और कोरोना को हर हाल में, COVID-19 को हराना है, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है और इस संक्रमण को आगे फैलने नहीं देना है। क्योंकि बेटा हमेशा प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इस बीमारी से अच्छे से दूर रह सकते हैं, हमें ये बीमारी कोई असर नहीं कर पाएगी। जहाँ पर हमारी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, यानी हमें कोरोना मिल जाएगा और हम उसे कभी भी अपने पास नहीं आने देंगे। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है और उसके लिए हम सबको सतर्क रहकर अपने हाथों को बार बार कान पर, मुंह पर नहीं लगाना है, हमें जितना हो सके अपने हाथों को धोना है बार बार, और अगर जहां धो नहीं सकते वहां हम अपने हाथों पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप ये सारी बातें अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्तों को बताइए, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ आप स्वच्छता कैसे बनाएंगे, आप कैसे स्कूल को सुंदर बनाएंगे, आप बुलेटिन बोर्ड को सजा सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि स्लोगन बना सकते हैं, उसके साथ साथ ड्राइंग्स भी बना सकते हैं आप, स्लोगन, ड्राइंग, पोस्टर, इनके माध्यम से जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपने स्कूल को सुंदर भी बना सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर एक एक अपना पोस्टर या अपना स्लोगन तैयार करके स्कूल में लेकर आएंगे, ताकि हम उन बच्चों के नाम के साथ उसे अपने स्कूल में लगा सकें और सभी को, आप सभी को, हम सभी को जागरूक बना सकें।
तो इसी तरह से बेटा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।